अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। आज हम करेंगे बेकिंग, और बेकिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम घर पे बनाने को अवॉइड करते हैं। केक बन रहे होते हैं, बिस्किट्स बन रहे होते हैं, और क्रीम वाले केक्स हम बना लेते हैं, और ड्राई केक बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है बाकरखानी की, पेटीज की, और खारों की, जो कि पफ पेस्ट्री से बनाई जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि रेडीमेड जो है पफ पेस्ट्री ले लें मार्केट से और बना लें। लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल होती है, लेकिन बड़ी आसान रेसिपी है, और जो है इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आपने ख्याल रखना है, जो कि अमूमन आप लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से बनती है। टेक्निकल होती है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है इंशाल्लाह हम डिटेल में उस पर बात करेंगे। थोड़ी टाइम टेकिंग भी होती है, लेकिन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है पफ पेस्ट्री बनाने के लिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ। हमारे पास है मैदा, मैदा आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और एक चीज़ होती है ये मार्जरीन। मार्जरीन ये देखिए, ये वेजिटेबल फैट होता है, वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, ये आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है। आपने एक बार नोटिस की होगी, जब भी आप लोग ये खारे का कुछ भी खाते हैं, पेटीज खाते हैं या बाकरखानी खाते हैं, अगर आप अच्छी क्वालिटी की खाएंगे तो आप बड़ी आसानी से उसको खा लेंगे, आपको खाने का कुछ हैवी फील नहीं होगा। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो ये पेटीज खाने के बाद जो तालू होता है हमारा, इसके अंदर घी जम जाता है, तो वो उसी वजह से होता है। अगर आपका ये फैट अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आपके गले के अंदर जाके चिपक जाएगा, और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हमेशा जब भी आप मार्जरीन का इस्तेमाल करें तो अच्छी क्वालिटी का मार्केट में मिलता है, अच्छी कंपनीज़ का उसका इंतखाब करें। और दूसरा, ये आप घर में भी बना सकते हैं। घर में आप कैसे बना सकते हैं, बड़ी क्विक सी रेसिपी है, आपको समझाऊँ। दाने वाला घी होता है, नॉर्मल घी पाउच में मिल रहे होते हैं, लेकिन जो टिन के अंदर घी आता है ना, उसके अंदर एक दाना होता है घी के अंदर, आपने देखा भी होगा, कभी हलवाई की दुकान पे देखा होगा, हलवा पूरी बनाते हुए देखा होगा, मिठाई की दुकान पे देखा होगा, घी के अंदर एक दाना होता है। वो दाने वाला जो घी है उसके साथ आप घर पर माजरीन या शॉर्टनिंग बना सकते हैं, और वो बहुत सॉफ्ट भी होगी, अच्छी भी होगी, और आपका पफ जो है उसे फूलेगा भी अच्छा। वो आप पफ पेस्ट्री के अलावा बिस्किट्स में, केक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या होता है, आपने लेट सपोज 1 किलो घी लिया दाने वाला, आप उसको गरम करें, जब वो गरम हो जाए, उसमें दाना ख़त्म हो जाए, बिल्कुल मेल्ट हो जाए, तो आपने एक बॉल के अंदर बर्फ़ लेनी है, उसके अंदर डालना है पानी बिल्कुल चिल्ड होगा, फिर वो घी आपने उसके अंदर डाल के उसको चला देना है, ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे तो घी सारा जम जाएगा। फिर ओवरनाइट आपने उसको छोड़ देना है, अगले दिन आपने पानी में से सारा घी निकालना है, इस तरीके से निचोड़ना है अच्छे तरीके से उसको, और उसको आपने सेव कर लेना, आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, और आपने जब भी इस्तेमाल करना होगा 2-3-4 महीने की उसकी शेल्फ लाइफ होती है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने घर में खुद से बनाना है। नहीं तो मार्केट से अच्छी पफ पेस्ट्री आपने लेनी है, सॉरी मार्जरीन आपने लेना है और उसे पफ पेस्ट्री बनानी है। पफ पेस्ट्री आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैदा है 1/2 किलो, इसके अंदर पानी जाएगा 250, लेकिन आपने पानी पहले थोड़ा सा कम रखना है, आपने 200-225 में पानी डालना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप मज़ीद पानी डालें, नहीं तो आप इसमें पानी नहीं डालें, क्योंकि एक अच्छा मैदा जो है तकरीबन 1 किलो मैदा 1/2 किलो से 550 ग्राम तक जो है वो पानी एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, अब ये पानी आ गया, अब इसके अंदर डालने हमने नमक, चीनी और ऑयल। अच्छा, ये अच्छा खासा ना टाइम लेती है, ये आपने आटा गूंदा, आटे को रेस्ट देना होता है, उसके बाद आपने इसको बेला, फिर आपने रेस्ट देना है, फिर बेला, फिर रेस्ट देना है, तो तकरीबन इसकी मेकिंग के अंदर ही 1 घंटा लग जाता है। हमारे पास टाइम क्योंकि कम है, कोशिश करेंगे कि इसी टाइम में अच्छे तरीके से ये बन जाए। अच्छा, आपने इसको घोलना है, इतना घोलना है कि चीनी का जो दाना है ना
वो दाना ख़त्म हो जाए। और ये पफ पेस्ट्री तो बड़ी वर स्टाइल एक चीज़ है, इसे आप जो है स्वीट आइटम भी बना सकते हैं, साफ सेवरी आइटम भी बना सकते हैं। अगर हम फ्रेंच बेकिंग की बात करें तो फ्रेंच बेकिंग में मोस्टली जो डिज़र्ट्स होते हैं वो पफ पेस्ट्री बेस्ड होते हैं, और हमारे यहाँ तो यहाँ पे 3-4 किस्म के पेटीज बनाए जाते हैं, इसके अंदर चिकन पेटीज, बीफ पेटीज हो गया, वेजिटेबल पेटीज हो गया। लेकिन अगर आप पफ पेस्ट्री के साथ कोई वेरिएशन बनाएं, आप जितने हमारे पास टिक्का के फ्लेवर हैं वो आप इसके अंदर डाल के आप मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से जो रेसिपीज़ नई नई डेवलप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया, अब इसको कन्वर्ट करेंगे बड़े बर्तन में। अब इसमें डालेंगे मैदा और इसको गूंदना है। अच्छा, ये आटा जो होगा ना ये हमने थोड़ा सा टाइट रखना है, ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये टाइट होगा बिल्कुल ना, जितना ज़्यादा ये टाइट होगा उतनी अच्छी आपकी पफ पेस्ट्री बनेगी। अगर ये सॉफ्ट होगा तो होगा क्या, जो हम मार्जरीन डालेंगे इसके अंदर वो आटे को फाड़ के बाहर निकल आएगा। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारा डो है वो सख्त होना चाहिए, और मार्जरीन जो है ये ब्लॉक फॉर्म में आता है, ये ब्लॉक फॉर्म में आता है, हमने इसको सॉफ्ट करने के लिए भी थोड़ा सा काम करना होता है। ब्रेक का टाइम हो गया है, तो जब तक मैं यहाँ पे आटे को गूंद रहा हूँ आप जहाँ ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। डो हमारा यहाँ पे गूंद रहा है, इसको अच्छे तरीके से हमने जो है डो को नीट करना है। अब ये देखें, जैसे जैसे ये डो गूंदता जाएगा ये टाइट होता जाएगा, और जितनी ज़्यादा देर तक आपने डो को गूंदना है ना उतना ज़्यादा आपका डो अच्छा होगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपकी प्रोडक्ट का। अगर आपके पास मशीन है तो आप घर में मशीन से भी इसको गूंद सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी क्वांटिटी जो आधा किलो एक किलो आप आसानी हाथ से गूंद सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हमने पानी का इस्तेमाल किया है, ज़रूरी नहीं है कि ठंडा पानी हो, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है वो हमने इसमें इस्तेमाल किया है। अगर हम ब्रेड बना रहे होते हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है तो उसमें जो होता है आपका चिल्ड वाटर, अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि डो जो है ये हार्ड है, तो इतना हार्ड आपने इसको रखना है। अगर इतना हार्ड नहीं रखेंगे तो ये फट जाएगा। ये देखेंगे, अब आपने इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है, हर स्टेप के ऊपर आपने डो को रेस्ट देना है। यहाँ मार्जरीन है, मैंने आपको बताया था मार्जरीन जो है हमारे पास ब्लॉक फॉर्म में होता है, ये 2 किलो का आता है, तो इस तरह ये सॉफ्ट नहीं होता। इसको सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको सॉफ्ट करने के लिए आप इसको इस तरीके से पटकते हैं, इस तरीके से इसको पटकेंगे चारों तरफ से घुमा घुमा के, तो फिर ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको आपने फ्रिज में हरगिज़ नहीं रखना है, अगर फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे आप इसको रखें, ये मेल्ट भी नहीं होता, और ये तकरीबन 2-2, 3-3 साल की इसकी शेल्फ लाइफ होती है, और ये ख़राब भी नहीं होता है।
ऐसे पटकते जाएं। तकरीबन 10 मिनट का ये भी प्रोसेस है कि आपने इसको अच्छे तरीके से पटकना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये पफ पेस्ट्री जो है बहुत सारी जो कुछ कराची की भी और दुनिया भर में बड़ी मशहूर जो बेकरियां होती हैं जिनका पफ जो है माजरीन से नहीं बनता, उनका वो बनता है बटर से, तो बड़ी मशहूर है। कराची में भी एक दो बेकरियां ऐसी हैं जो बटर का वाला पफ पेस्ट्री बनाती हैं, उनके पेटीज खारे वगैरह सब बटर के साथ बनते हैं, तो उसका जो फ्लेवर होता है वो और ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन वो थोड़ा और ज़्यादा टेक्निकल होता है पफ की हैंडलिंग, क्योंकि ये तो मेल्ट होता नहीं है और बटर जो है वो फौरन के फौरन मेल्ट हो रहा होता है, तो उसको संभालना उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आपका हाथ इसके ऊपर सेट हो जाएगा तो आप वो वाला भी बना सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है। वो आपने डो बना के फिर उसको फ्रीज़ करना होता है, अगर आप फ्रीज़ नहीं करेंगे तो बटर जो है सारा बाहर निकल जाएगा। ये देखें जी, इस तरीके से हमने किया, ये नरम हो गया। अब जगह थोड़ी साफ करते हैं। अब आटा जो है ये उसकी लगा के आटे को इस तरह फैलाएंगे, बीच में से थोड़ा मोटा रखेंगे इसको, साइड से पतला करेंगे। और ये जो है माजरीन ये रखेंगे बीच में, और इसको इस तरीके से इसको कर देंगे बंद। ये देखिए, ये सबसे पहला इसका स्टेज है, ये हमने किया। अब इसके बाद भी इसको आपने 20 से 25 मिनट का जो है रेस्ट देना है। ये देखें, ये बिल्कुल ब्लॉक बन गया है। क्या किया था हमने, पहले डो को फैलाया, साइडों से थोड़ा सा पतला रखना है, सेंटर से मोटा रखना है, और माजरीन को भी बिल्कुल स्क्वायर शेप में बना के हमने सेंटर में रखा और फिर इसको कर दिया फोल्ड। अब ये वाला हिस्सा आएगा इसके नीचे, इसको भी हमने 20-25 मिनट का टाइम देना है, उसके बाद इसको लगाएंगे बेल। हो गया ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए और बना रहे पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री का पहला स्टेप हमने कर लिया था, आटा हमने गूंदा था, उसको फैलाया, माजरीन सेंटर में रखा और इसको फोल्ड करके हमने यहाँ पे रख दिया। इसको आपने 20 से 25 मिनट का जो है रेस्ट देना है, फिर उसके बाद आपने करना क्या है, इसको आपने बेलना है। सारी डस्टिंग करके अच्छे तरीके से अच्छा है। ये पफ पेस्ट्री का जो बेलने का मरहला है थोड़ा सा टेक्निकल भी होता है और इसमें पावर बहुत लगती है। वो ख़वातीन हज़रात जो इसको घर पे बना रहे हैं और जिनको बैकबोन का मसला है वो इसको ना बेलें, क्योंकि इसमें अच्छी खासी फोर्स लगती है तो कुछ नुकसान हो सकता है उसकी वजह से, तो लिहाजा ऐसे लोग जिनको बैकबोन का इशू है वो ये काम ना करें, क्योंकि माजरीन बहुत सख्त होता है इसके अंदर।
ये बेलते हुए अच्छी खासी ताकत लगती है इसमें। और बेलते हुए ख्याल रखना है चारों तरफ से ये इवन रहे, एक जैसा रहे। आपने हाथ बिल्कुल एक जैसा रखना है। देखें अगर आपका डो पतला होगा सॉफ्ट होगा तो ये फट जाएगा, और सख्त डो में भी आपने थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है बेलते हुए कि हल्के हाथ से इसको बेलना है ताकि ये फटे ना। और प्रॉपर फैलाएंगे चारों तरीके से, चारों तरफ से। ये जो आप देखते हैं ना फ्लेक्स आ रहे होते हैं पेटीज के अंदर, बारीक बारीक से लेयर्स आ रही होती हैं, वो इसीलिए आती हैं कि आपका ये जो है जो आप इसको फोल्डिंग का ये प्रोसेस है ये आपने प्रॉपर तरीके से करना है ताकि आपका जो फ्लेक्स आपको चाहिए वो अच्छे आए। डायरेक्शन चेंज करते जाए, पहले हम इसको ऐसे बेलेंगे फिर ऐसे बेलेंगे, तो तीन चार दफ़ा जो है ये डायरेक्शन इसकी चेंज होगी। और आपने इसको तकरीबन तीन से चार सूत मोटा बेलना है। देख रहे हैं कि ये कितना था और बेल बेल के हमने इसको कितना बड़ा कर दिया। ये देखेंगे ये हो गया है। अब हमने इसको करना है फोल्ड। फोल्ड कैसे करना है ये आप देखें, ये किया फोल्ड, फिर इस तरीके से इसको फोल्ड किया, ये देखें बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना है इसको। और इसको हमने इस तरीके से कर दिया फोल्ड। ये इसका हो गया पहला बेल, ठीक है। अब इसको फिर दोबारा हमने 20 से 25 मिनट का जो है टाइम देना है, और फिर इसको एक दफ़ा और इसी तरीके से बेलना है, और इसी तरीके से जो है इसको हमने फोल्ड करना है। सही है जी। अच्छा ये रखना है 20 से 25 मिनट चिकन, जब तक इसको हम रेस्ट देंगे 20-25 मिनट का, चिकन की फिलिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमको चाहिए प्याज। अच्छा चिकन हमने बोनलेस चिकन इस्तेमाल किया इसके अंदर, और उसको हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। प्याज को जो है स्लाइस कर लेंगे, नहीं इससे पहले फ्लेम ऑन करके थोड़ा सा ऑयल डाल दें ताकि गर्म हो जाए। ये चिकन की बड़ी बेसिक फिलिंग है जो आप
किसी अच्छी बड़ी बेकरी से खाएंगे तो आपको बिल्कुल यही टेस्ट जो है पेटिस के फिलिंग का मिलेगा इंशाल्लाह। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। प्याज को किया स्लाइस और इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, हल्का सा कलर आएगा, अगर कलर ना भी आए सॉफ्ट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। सिर्फ सॉफ्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने और क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, दूध है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, चिकन पाउडर है, नमक है, वाइट पेपर है और मैदा है। जैसे कि आप मैदे और बटर की रू बनाते हैं सॉस को थिक करने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम इस फिलिंग को थिक करने के लिए मैदे का इस्तेमाल करेंगे। बस पफ पेस्ट्री बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो उसको रेस्ट देने का मरहला है, जो टाइम है, वो टाइम आपने प्रॉपर देना है। आपने पहले डो को गूंदा, उसके बाद 10 मिनट छोड़ा, फिर आपने उसको बेला, उसके बाद इसमें मार्जरीन लगाया, फिर आपने इसको 20-25 मिनट छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने इसको पहली दफ़ा बेल के फोल्ड किया, फिर आपने रख दिया, फिर आपने इसको आधे घंटे का गैप देना है, उसके बाद दोबारा आपने उसको बेलना है और बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड करना है, फिर उसके बाद दोबारा आपने आधे घंटे का बेल देना, उसके बाद फिर आपने काटना है और फिर आप जैसे चाहें इसको शक्ल दे के बेक कर सकते हैं। इसका जो बेकिंग टाइम है 180 डिग्री के ऊपर, आपने कुछ भी बनाना हो 180 डिग्री पे ये बेक होगा और 20 से 25 मिनट जो इसका टाइम है, 30 मिनट भी हो सकते हैं, ओवन पे डिपेंड करता है, नहीं तो स्टैंडर्ड टाइम इसका 20 से 25 मिनट है, आपकी प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी। अच्छा, चूल्हा थोड़ा सा कम करके इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और हरी मिर्चों का पेस्ट। तीखा आपने कितना रखना है, स्पाइस लेवल कितना रखना है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। बस को थोड़ा सा भूनना है, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, थोड़ा जब तक मैं इसको भूनता हूँ आप जाएं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस करेंगे, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रही चिकन की फिलिंग, हमने ऑयल लिया था, ऑयल में थोड़ा प्याज को हमने हल्का सॉफ्ट किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, उसको भून लिया। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन, चिकन हमारे पास बॉयल है जिसको हमने श्रेड करके रखा हुआ है। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है मिक्स करना है और सौते करना है। अच्छा, कॉस्ट कटिंग करने के लिए इसके अंदर क्या होता है, चिकन स्टॉक डाली जाती है और मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, उससे क्या है क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप ये घर में बना रहे हैं तो चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे दूध, वाइट पेपर, नमक, चिकन पाउडर, चिकन का स्टॉक डाल लें या चिकन पाउडर डाल लें एक ही बात है। इसको अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा सा उबाल आ जाए इसके अंदर, थोड़ा दूध और शामिल किया। फिलिंग जितनी सॉफ्ट होगी ना उतनी अच्छी होगी, मतलब आपका पेटिस जो है जूसी बनेगा, तो लिहाजा कोशिश करें फिलिंग को थोड़ा सा आपने सॉफ्ट रखना है। इस लेवल पे आप टेस्ट कर लें, नमक,
अगर आप मैदा डाल देंगे तो फिर नमक एडजस्ट नहीं हो पाएगा। थोड़ा चिकन पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा वाइट पेपर, ठीक है जी। अब इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा आपने फैला के डालना है कि लम्स ना बने इसके। लेकिन जैसे आप मैदा डालेंगे गाढ़ा हो जाएगा। और आप चाहें तो इसमें भुना हुआ मैदा भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, ये तैयार हो गई फिलिंग। इसको प्लेट में निकालेंगे, फैला देंगे ताकि ठंडी हो जाए। जब तक ये ठंडी होगी हम पफ पेस्ट्री को फाइनल बेल और लगा लेते हैं। ये देखें, अगेन आपने इसको इसी तरीके से पहले फैलाना है। जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर बहुत फोर्स लगती है बेलते हुए, ये जो सेकंड बेल है इसके अंदर आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी बेलने के लिए। अच्छा, आपने जो इसको रखना है ना तो किसी थैली वैली से कवर करके रखना है जब आपने इसको रेस्ट देना है। देखिए मैंने इसको कवर नहीं किया था तो ऊपर जो ये रहे यहाँ पे सिकरी आ गई, सिकरी मतलब खुश्क हो गया, तो जिसकी वजह से फटने लगा। कोई भी डो की चीज़ हो आपने उसको हवा नहीं लगने देनी है, हवा लगेगी तो वो फटना शुरू हो जाएगा। दोबारा इसी तरीके से इसको बेलना है। अब चूंकि इसके अंदर मार्जरीन आ गया और वो हार्ड हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा बेलने में आपको परेशानी हो सकती है। बस कोशिश ये करनी है कि चारों तरफ से एक जैसी मोटाई हो और एक जैसा बिलावा हो ताकि फोल्ड करने में आसानी रहे। जैसा कि ये चौकोर था बिल्कुल चौकोर होता चला जाएगा। अगर ये बटर में आप बनाते हैं तो बटर में तो उसको फ्रीज़ करना होता है और उसमें बेलते हुए और ज़्यादा ताकत लगती है। तो उसका हल ये है कि शीटर होते हैं इलेक्ट्रिक के, वो बेलने की मशीन, आपने उसके अंदर जो है पूरा अपना क्रॉस रखा और जितनी मोटाई आपको चाहिए आपने उसमें एडजस्ट की और चला दिया। बिल्कुल यही प्रोसेस जो है क्रोसेंट्स का भी होता है। जब आप बटर क्रोसेंट्स बनाने जाते हैं उसके लिए भी आपको डो को पहले फ्रीज करना होता है स्टफ़ करके, वो भी आप हाथ से नहीं बेल सकते आराम से, तो उसके लिए भी शीटर चाहिए होता है।
ठीक है, बस इसको एक दफा हम जो है बेल दें सही से। ये देखें जी, ये एक दफ़ा और बिल गया। इसको बिल्कुल उसी तरीके से हमने फोल्ड करना है जैसे पहले किया था। ये लें जी, अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको 20-25 मिनट का टाइम देंगे, फिर उसको फाइनल बेलेंगे। जो आपने कटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की वो करें और बेक करें। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस करेंगे। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम बना रहे हैं आज पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री हमारी यहाँ पे तैयार है, चिकन की फिलिंग भी तैयार है, तो अब फाइनल बेलते हैं इंशाल्लाह इसको। सबसे पहले बेकिंग ट्रे, ये बेकिंग ट्रे हमको चाहिए। इसको कर देंगे ग्रीस हल्का हल्का सा। ऑयल लगा दें, घी लगा दें, मक्खन लगा दें, जो अवेलेबल चीज़ है। आप मार्जरीन भी लगा सकते हैं इस पर। हल्का हल्का बस ग्रीस करना है ताकि प्रोडक्ट आपकी चिपके ना। अब यहाँ पे पफ पेस्ट्री को हम सेंटर से काट देंगे दो हिस्सों में। ये देखें, आप लेयर्स चेक कर सकते हैं इसमें जो लेयर्स इसकी बनी है। अच्छा, अब हम बेल रहे हैं पेटिस। पेटिस बेलने के लिए सबसे पहले आपको उसको मोटा बेलना है ताकि ऊपर वाला जो टॉप है आपका पहले वो काटने हो, और उसके बाद थोड़ा सा पतला करके नीचे वाला बेस काटेंगे, क्योंकि नीचे का जो बेस होता है वो थोड़ा पतला होता है और ऊपर का जो बेस होता है मोटा होता है। प्रोसेस का यही है कि आप हल्का हल्का सा जो है इस पे खुश्क मैदा लगाते जाएं। बेलते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना, मैं दोबारा ये बात बल्कि बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये बेलते हुए जो चारों साइड्स हैं इसकी वो इवन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कहीं से मोटा हो, कहीं से पतला हो, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और आपने इसको पलटना नहीं है, आपने इसी तरीके से रोटेट करना है, पलटना नहीं है। ये देखें, ये हो गया। अब इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कटर है, ये प्लेन कटर जो है नीचे के लिए है, ये टॉप के लिए है। इसको काट लेते हैं, इसको ऐसे काट के इसको पानी में डाल दें।
इससे ये होगा ड्राई भी नहीं होगा और जो है इसकी बाइंडिंग है वो अच्छी आ जाएगी। ये हो गया, अब इसी को आपने थोड़ा सा पतला कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा पतला हो गया नीचे वाला। अब इसको हम प्लेन वाले से काट देंगे। पे भी हल्का हल्का सा आपने पानी लगाया। और फिर जो चिकन की फिलिंग है वो आपने इस पे रखनी है। इस तरीके से फिलिंग ज़्यादा ओवर नहीं करनी, ओवर करेंगे तो बाहर निकल जाएगी। जितनी इसकी कैपेसिटी है उतनी आपने फिलिंग रखनी है। अब आपने इसको इस तरीके से कवर करना है। कवर किया, अब ये छोटा वाला जो है इससे आपने इसको इस तरीके से बाइंड कर देना। ठीक है, ये पेटीज बन गए, इनको बेक करेंगे। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में दो तीन जो शेप्स हैं मैं बना के रख दूंगा। बाकरखानी ब्रेक से आगे बनाएंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ जाए। ब्रेक पे जाने से पहले हमने पेटीज जो है ओवन में डाल दिए थे, अब बाकरखानी बनाते हैं और खारे बिस्किट्स, इसको भी ऐसे काट लेते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको लंबाई में बेलना है। डस्टिंग करते जाएं ताकि प्रॉपर बेलता जाए। ये देखेंगे, अब इसको हमने लगाना है पानी। पानी लगाएंगे, उसको करेंगे फोल्ड। फोल्ड एक जैसा करना है,
ये आपने फोल्ड कर दिया। हल्का सा रोल करें ताकि बाइंडिंग अच्छी हो जाए नीचे से। उसके बाद आपने इसको कट कर लेना है, जितना भी बड़ा साइज आपने रखना है इसका। फिर तिल और चीनी आपने मिक्स करनी है। और इस तरीके से आपने इसको इसके ऊपर रख के जितना बड़ा आपने इसका साइज बनाना है बाकरखानी का बना लें। इसको भी 180 डिग्री पे हमने बेक करना है 20 से 25 मिनट। और कोशिश करें ये जॉइंट जो इसका आ रहा है ये नीचे की तरफ आए। ये हो गया। अब रहेगा हमारे खारे। खारे भी आपने इसी तरीके से अपनी मर्जी की बल्कि ऐसे ही बना लेते हैं थोड़े से। मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, टाई की शेप में भी होते हैं, स्ट्रिप्स की शेप में भी होती हैं स्ट्रेट, तो आप जैसे चाहें बना सकते हैं। खारों पे भी आप हल्का हल्का सही है। चलिए खारे भी यहाँ साथ में। ये भी बेकिंग के लिए डालते हैं जब तक ये बेक होता है। हमारी जो चटनी है ग्रीन और रेड वो बना लेते हैं। अच्छा ये कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, इसको आपने इसी तरीके से बेलना है और इसको इस्तेमाल कर लेना है। जब तक मैं थोड़ी सफाई कर रहा हूँ यहाँ पे चटनियों की तैयारी करता हूँ, टाइम है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। बाकरखानी अज्जा पफ पेस्ट्री हसपे ज़रूरत, तिल हसपे ज़रूरत, चीनी हसपे ज़रूरत। तरकीब पफ पेस्ट्री बेल कर थोड़ा सा पानी लगाएं, अब दो गोल लपेटें और दो दो इंच के टुकड़ों में काटकर अलग अलग रखें। एक प्लेट में चीनी और तिल मिलाएं। अब बारी बारी हर टुकड़ा चीनी और तिल वाले अमेजे पर रखकर दबाएं और बेकिंग ट्रे पर रखते जाएं। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में 20 से 25 मिनट बेक कर लें। बाकरखानी तैयार हैं। चिकन पैटीज अज्जा उबली और रेशा की हुई चिकन 1 कप, तेल 1/4 कप, स्लाइस में कटी प्याज 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, नमक हसपे जायका, सफ़ेद दखनी मिर्च 1/4 चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, मुर्गी की यखनी या दूध 1 कप, अंडा 1 अदद। तरकीब काउंटर पर मैदा छिड़क कर पफ पेस्ट्री की मोटी तह बेलें। अब गोल कटर से पैटीज के ऊपर वाले हिस्से काट लें। बाकी पफ पेस्ट्री को पतला बेलकर उसी कटर से गोल काटें। फ्राइंग पैन में तेल, उबली और रेशा की हुई चिकन, स्लाइस में कटी प्याज,
अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, सफ़ेद दखनी मिर्च, चिकन पाउडर और मुर्गी की यखनी मिलाकर फिलिंग तैयार कर लें। पैटीज के निचले हिस्से पर थोड़ा सा पानी लगाकर फिलिंग डालें और ऊपर वाला हिस्सा रखकर पैटीज बनाएं। अंडा फेंट कर पैटीज पर लगाएं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में 20 से 25 मिनट बेक कर लें। ग्रीन चटनी अज्जा, छोटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, पुदीना 1/4 कप, हरा धनिया 1/4 कप, पानी 1 कप, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायका, कोटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, खाने का हरा रंग चंद कतरे, इमली का गूदा 1/4 कप। तरकीब, एक ब्लेंडर में छोटी हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, पानी, नमक, कोटा ज़ीरा, काली मिर्च, खाने का हरा रंग और इमली का गूदा पीस लें। अब इसे अज्जा फ्राइंग पैन में पकाएं, जब उबाल आ जाए तो कॉर्नफ्लावर डालकर चटनी गाढ़ी कर लें। खारे बिस्किट्स अज्जा, पफ पेस्ट्री हस्बे ज़रूरत, अंडा 1 अदद। तरकीब, पफ पेस्ट्री आधे इंच मोटी बेलें और खारे बिस्किट की शक्ल में काट कर बेकिंग ट्रे में रखें। अंडा फेंट कर बिस्किट्स ब्रश करें, फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 20 से 25 मिनट बेक करें। लाल चटनी अज्जा, टोमेटो केचप हस्बे ज़रूरत, चीनी हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, खाने का लाल रंग चुटकी भर। तरकीब, एक फ्राइंग पैन में टोमेटो केचप, चीनी, पानी, कॉर्नफ्लावर और खाने का रंग मिलाकर पकाएं, यहाँ तक कि चटनी गाढ़ी हो जाए। पफ पेस्ट्री अज्जा, मैदा 1 किलो, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, पानी 500 मिलीलीटर, मार्जरीन 800 ग्राम। तरकीब, एक प्याले में चीनी, नमक और पानी अच्छी तरह मिलाएं और मैदा शामिल करके डो तैयार करें। ये डो थोड़ा सख्त होगा, 15 मिनट के लिए डो सेट होने दें। अब किचन काउंटर पर डो बेलकर मार्जरीन लगाएं और डो की तहें लगा लें, फिर 15 मिनट के लिए डो एक तरफ रख दें। अब डो पतली बेलें और दोबारा तहें लगाकर 15 मिनट के लिए एक तरफ रख दें। उसके बाद यही अमल दोहराएं। पफ पेस्ट्री तैयार है। लाल चटनी अज्जा, टोमेटो केचप हस्बे ज़रूरत, चीनी हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, खाने का लाल रंग चुटकी भर। तरकीब, एक फ्राइंग पैन में टोमेटो केचप, चीनी, पानी, कॉर्नफ्लावर और खाने का रंग मिलाकर पकाएं, यहाँ तक कि चटनी गाढ़ी हो जाए। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। सारे प्रोडक्ट हमारी ओवन में चली गई है, जब तक वो बेक हो रही है बनाते हैं यहाँ पे चटनियाँ। क्विक सी चटनी है, बड़ी जल्दी बन जाएंगी। लाल और ग्रीन चटनी आपने देखा होगा समोसों या पेटीज के साथ, बड़ी नॉर्मली ये मिलती हैं। केचप हमने डाला इसमें लाल चटनी के लिए, चीनी, पानी शामिल करेंगे, इसको मिक्स करना अच्छे तरीके से। वैसे चटनी आपने देखा हो बड़ा आर्टिफिशियल सा जो है उनका कलर आ रहा होता है ग्रीन और रेड चटनी का, तो वो फूड कलर रेड होता है। आप चाहें तो आप करें, चाहें तो ना करें, ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं, थोड़ा इसमें उबाल आएगा तो इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, उसको कर देंगे गाढ़ा। जब तक हरी चटनी जो उसकी तैयारी करते हैं, इसके लिए चाहिए हरी मिर्चें, हरा धनिया, और पुदीने के पत्ते, इसमें चाहें तो इमली का पल्प आप इसी के साथ ब्लेंड कर सकते हैं।
एक नज़र ओवन में भी देख लें, पेटिस तो बड़े अच्छे से उड़ गए हमारे और बागरखानी भी कलर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा डालें कॉर्नफ्लावर और इसको हल्का सा थिक करना है, ज़्यादा थिक नहीं करना। ये लें जी, ये चटनी तैयार हो गई है। इसका कर देंगे चूल्हा बंद। हरी चटनी, इमली का पल्प, ये क्या इसमें, अच्छा जी, जीरा, ब्लैक पेपर और नमक। फूड कलर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। इसको हल्का सा आपने पकाया, थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर और ये भी थिक हो जाएगी। ये वाली चटनी हम डिश आउट करते हैं। इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल के इसको गाढ़ा कर लेंगे। थोड़ा सा और बस इसका ग्लोसी टेक्सचर आना चाहिए। थोड़ा ग्लोसी टेक्सचर आ जाएगा तो आपने जो है इसका चूल्हा बंद कर देना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है। ये देखें ये चटनी तैयार हो गई है। ये नहीं, दोनों चटनियाँ तैयार हो गई हैं। ओवन भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। पेटिस का तो बड़ा अच्छा कलर आ गया है, बागरखानी को थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। क्या पोजीशन है, कलर माशाल्लाह बेहतरीन आ गया है। बाकरखानी खारे एक अदक सर्विंग लेटर। बड़ा अच्छा कलर आ गया है, बस इसको थोड़ा सा हमने जल्दी कलर देने के लिए ऊपर रख दिया बागरखानी पे। बागरखानी जितनी ज़्यादा देर तक बेक होगी, जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी अच्छी आएगी। अच्छा जी, अब इसको देखें, पेटीज बड़े लाइट इसको अगर हम और ज़्यादा टाइम देंगे पफ को तो ये और अच्छा और लाइट आ सकता है, लेकिन अभी भी बड़ा बेहतरीन आया है। बाकरखानी
और ये खारे बिस्किट्स थोड़ा सा कलर तेज़ हो गया है, नो इशू। देखें भरपूर तरीके से फूला हुआ ये, और एक शेप और रखा था हमने ये, ये देखें जी पूरी प्रोडक्ट हमारी तैयार हो गई है। आई होप आपको आज की रेसिपीज पसंद आई होंगी, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।